उड़ाए कुछ वरक लाला ने कुछ बुलबुल ने कुछ गुलने उड़ाए कुछ वरक लाला ने कुछ बुलबुल ने कुछ गुलने चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। बिरादरान मिल्लत और स्टेज पर रौनक और अफरोज उलमाए इकराम और दूरों दराज से तशरीफ लाने वाले मेहमान निज़ाम, आज की इस तारीख की जश्न आज़ादी के मौके पर आप हजरात ने मुझे जिस उनवान पर तकरीर करने की हिदायत की है, हक बात तो यह है कि मैं ना इसका अहल हूँ और ना ही मेरी ज़ुबान इस लायक है और ना ही मेरा मुताला इतना वसी है कि मैं आप हजरात के सामने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की दास्तान को बयान करूँ। ताहम आज के इस कौमी यादगार के दिन, जबकि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में गैर मुल्क खड़े कर रहे हैं, गुलाम हिंदुस्तान की दास्तान और आज़ादी की कहानियां सुनाई जा रही हैं। मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है तो दूसरी तरफ हमारे तो दूसरी तरफ जमहूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्दनाक वाकियात और जुल्म सितम के रुदात जिन्हें याद करके कलेजा खून को आता है तो दूसरी तरफ जमहूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्दनाक वाकियात और जुल्म सितम की रुदात सामने आती है तो दिल से ये आह निकलती है कि अगर हमारे अकाबर असलाफ को इस बात का तसव्वुर भी होता तो वो लोग कभी इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़वाने और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में इतनी बड़ी कुर्बानियाँ पेश ना करते। अगर उन्हें इस बात का ख्याल भी होता कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ऐसा भी दिन आएगा कि मुसलमान आज़ादी की जगह अंग्रेज़ों की गुलामी ही को पसंद करेगा तो वो लोग कभी शमशीर बरहना लेकर मैदान जिहाद में ना निकलते। उन्हें क्या मालूम था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने अपनी जान दी है। उन्हें क्या मालूम था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपनी जान दी है। उन्हें क्या मालूम था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सिर्फ 1857 में 51,000 उलमा शहीद हो गए हैं। उन्हें क्या मालूम था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उलमा को बरहना करके आग के अंगारों पर डाल दिया गया है। उन्हें क्या मालूम था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक के दरख्तों पर उलमा की गर्दनें लटकाई गई हैं। उन्हें क्या मालूम था कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ टूटेगा, उन्हें हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया के जियालो, इस हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। इस 76 साल दौर आज़ादी में अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किस तरह है मुसाबियाना रवैया इख्तियार किया है, जुल्म इस्तिब्दाद के कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए हैं, इसकी दर बड़ी दास्तान है। सैकड़ों फसादात की तारीख मेरे नजरों के सामने है जिन्हें याद करके कलेजा मुंह को आता है, जुबानें गुम हो जाती हैं, पांव तले से जमीन खिसक जाती है कि हाय ये कैसी आज़ादी है जिसमें मुसलमानों का जान माल महफूज नहीं है। हमारे इज्जत व आबरू पर शक्कू मारे जा रहे हैं, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, हमारे आबादियों को वीरान किया जा रहा है, हमारे मसाजिद व मकासिद को मिसमार किया जा रहा है, हमारे खानकाहों मदारिसों पर बुनियाद परस्ती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, शायर इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, कब्रिस्तानों पर गासिबाना कब्जा किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, एक नाकाबिले इंकार वाकया है कि इस हिंदुस्तान को आज़ादी से मुसलमानों ही से सरफराज किया है, मुसलमानों ही की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा मुल्क आज़ाद है और आज हमारे मुल्क में आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमसे यह सवाल किया जाता है कि हम लेकिन इसके बावजूद भी हमसे वतन परस्ती का सवाल किया जाता है, हम ये बदला देना चाहते हैं, हम ही इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क के गोशे गोशे पर हमारा हक है, इस देश के चप्पे चप्पे पर हमारा हक है, हमने इस धरती की आबादी के लिए लड़ा है और हमने ही इसको आबाद किया है। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।
आज हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जंग आजादी की तारीख से मुसलमानों के नामों को निकाला जा रहा है और हमारे कारनामों को भुलाया जा रहा है। सितम बालाए सितम यह है कि हमसे ये सवाल किया जाता है कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया। ऐ मुहिब्बाने वतन, जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, गंगा की गहराई से पूछो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, हिंदुस्तान के सहराओं से पूछो, आसमानों के तारों से पूछो। ये सब के सब तुम्हें बताएंगे कि हमने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। ये सब के सब हमारी अजमत के गवाह हैं। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इस बात पर शाहिद है। बताओ हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी किसने दी, लाल किला की अजमत किसने दी, लाल किला की अजमत किसने दी, जामे मस्जिद की पुरशिकोह इमारत किसने दी, ताजमहल की रानाई किसने दी। सौ बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए पर हमको, सौ बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए पर हमको, ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। नौजवान कौम, आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं। आप संजीदगी से ही 76 साल दौरे आजादी का जायजा लीजिए। माशियत और तिजारत, सियासत और मुलाजमत और दीगर शोभाए जिंदगी का पुकार कर देखिए कि अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों को इसमें क्या हिस्सा दिया है। बस मैं इन चंद अशआर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ कि जुल्म सितम के जद में नामो निशा हमारा, बर्बाद हो चुका है अमनो अमा हमारा। किस मुँह से हम पढ़ेंगे इकबाल का तराना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।